पांच राज्यों में मोदी जी की जो हार हुई है वो अप्रत्याशित नहीं है, ये होना ही था, क्योंकि जुमलों से हिंदू संतुष्ट होने वाला नहीं है। इस देश का हिंदू जनमानस ही जान गया है कि हमें 2014 में राम मंदिर, जनसंख्या नियंत्रण कानून 370 35 से और गोरक्षा जैसे मुद्दों पर मूर्ख बनाया गया है, और अब हिंदुओं ने मूर्ख बनना बंद कर दिया है। पूरे देश का हिंदू परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, साई वंदनीय महंत योगी आदित्यनाथ जी में आस्था की तरफ देख रहा है। पूरे देश का हिंदू बौद्ध धर्म गुरु विराथु और बाला साहब ठाकरे के प्रतिरूप के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को देख रहा है। योगी आदित्यनाथ जी अगर पांच राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते तो ये जो इज्जत बची है, थोड़े बहुत विधायक आए हैं बीजेपी में, वो भी नहीं आते। मोदी जी फेल हो गए हैं, महर्षि सानंद की हत्या हुई अनशन के नाम पे, वो मर गए, प्रधानमंत्री जी मरने का इंतजार करते रहे, गंगा की सफाई नहीं हुई, राम मंदिर के नाम पे मौन है। जब ये प्रधानमंत्री बने, उससे पहले मुख्यमंत्री थे, उससे पहले चाय बेचते थे, कभी पूरे जीवन काल में मोदी जी ने अयोध्या आने का काम नहीं किया, जबकि मोदी जी लगातार मस्जिद मस्जिद घूमते रहे और अंत में बोहरा समाज की मस्जिद में जाके मौलानाओं के चरणों में बैठ के उन्होंने जियारत करने का काम किया। यानी कि उनको वोट चाहिए थे सिर्फ भीम आर्मी वालों से, भीम आर्मी के एक प्रदर्शन से, एक भारत बंद से। मोदी जी इतने डर गए कि मोदी जी ने तुरंत SC ST एक्ट कानून को प्रभावी करके दलितों को खुश करने के लिए, बल्कि दलितों को नहीं, भीम आर्मी के लोगों को खुश करने के लिए, ठाकुरों पे, बनियों पे, ब्राह्मणों पे, कायस्थों पे, पंजाबियों पे, यादवों पे, जाटों पे, गुजरों पे SC ST एक्ट का चाबुक चलाया। इसके अलावा हमने तो पूरा देश ये जानता है कि सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ही ऐसे हिंदू के ब्रांड हैं, हिंदुत्व के ब्रांड हैं, जो इस देश में भगवान राज कायम कर सकते हैं। आते ही सबसे पहले DJ पे जो प्रतिबंध अखिलेश जी ने लगाया था उसको योगी जी ने हटाया, कहा कि ये कांवड़ यात्रा शव यात्रा नहीं शिव यात्रा है। इलाहाबाद नाम का जो धर्मनगरी प्रयागराज पे कलंक था उसको धोया, फैजाबाद नाम के कलंक को धोके अयोध्या को अपने पुराने वास्तविक स्वरूप में लौटाने का श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और जब अलविदा जुमे की नमाज होली के दिन पढ़ी तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अपनी अलविदा जुमे की नमाज को 3 घंटे बाद पढ़ लेना, होली अपने समय पे।